किसान भाइयों, महिंद्रा 475 DI XP प्लस इस ट्रैक्टर का माइलेज टेस्ट कर रहे हैं फिर से दोबारा। एक बार हमने चेक कर लिया, अब दोबारा फिर से हम चेक कर रहे हैं कि क्या माइलेज दे रहा है। जैसे पहले किसान भाई ने चलाया फुल लोड के साथ में, फुल दबा के उठा के ऐसे चलाया किसान ने, तो उसमें क्या तेल लिया और अब क्या ले रहा है एक ही माप से चलाने से, सही से 1600 RPM पर चलाने से। ठीक है, यहाँ पर हमने टंकी कर दी फुल, भाई का ढक्कन बंद। महिंद्रा 475 XP प्लस 6 साल की वारंटी के साथ में, 13 के टायर में, 9 हल वाली कल्टीवेटर। क्या हुआ? ऐसे नहीं, पूरा सही से बिठा भाई, यूं करके उसने तो ढक्कन ले बैठ गया। कर ठीक है, कर स्टार्ट, टाइम फालतू वेस्ट हो रहा है। एक कौन यहाँ से थोड़ा आगे लेके करना हो, फिर यहीं पे हम डीजल डालेंगे ताकि जगह का ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एक एक राइट हुई है, थोड़ा आगे ले ले, डबल क्लच है वो। ओ भाई, बस 1 मिनट 17 सेकंड ये भी चलता है। 1600 RPM चला भाई। महिंद्रा 475 DI XP प्लस, कई भाइयों की कमेंट थी भाई इस ट्रैक्टर के बारे में कि इसका एक बार माइलेज निकालो, तो आज स्पेशली निकाल रहे हैं। 575 का भी हमने निकाल दिया, ये है 475 XP प्लस। और ये जो जमीन है वो नॉर्मल वाली है, मतलब कि बीज वाली है, तो ज्यादा दबाने से सिर्फ स्लिप ही मारता है ट्रैक्टर। 9 हल वाली कल्टीवेटर के साथ में चल रहा है। भाई RPM 16 है, 1600। ओके, किसान भाई की जीत थी पहले वाले वीडियो के अंदर कि भाई फुल दबा के उठा के फुल लोड पड़ता है फिर, तो इस हिसाब से क्या लेता था, उसमें 5.5 लीटर का बैठा। लेकिन हकीकत तरीके से जो नॉर्मल किसान है वो सही से चलाता है, और जो बंदा आराम से चलाता है, सही से चलाता है, उसका ट्रैक्टर लॉन्ग लाइफ के लिए चलता भी है। अगर हम 2000 RPM ट्रैक्टर चला रहे हैं फिर या तो डीजल भी सही से नहीं लेगा, डीजल भी ज़्यादा लेता है, और परफॉर्मेंस में भी ये होता है कि ट्रैक्टर के इंजन को लोड पड़ता है। सही से 1600-1700 पे चलाओ, बेस्ट एवरेज, बेस्ट परफॉर्मेंस। ये भाई स्वराज का ड्राइवर है, स्वराज का ट्रैक्टर इनके पास में, ये महिंद्रा चला रहे हैं। कैसा चल रहा है? ठीक है, 1600। ओके, के टायर में है ये महिंद्रा 475 XP प्लस। भाई का कहना है कि पहले फार्म ट्रैक था, जो किसान भाई उसका कहना है कि फार्म ट्रैक बहुत ज्यादा कम तेल ले रहा था। एक तो नया ट्रैक्टर है ये, अभी हम इसका एवरेज भी निकाल रहे तो नया है, राउस होने के बाद में कम से कम 500 ml जितना फर्क पड़ जाता है ट्रैक्टर 600-700 घंटे के बाद में। एक ही माप से चलना है, लीवर पे हाथ मत रख। हाँ, थोड़ा सा भले दबा के चला। हाँ बराबर, जो भी है वो परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो कि किस तरीके का परफॉर्मेंस है इसका।
अभी 4 मिनट ही हुए भाई। भाइयों हम बीच में वीडियो कट इसलिए नहीं करते हैं कि किसी भाई को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बीच में से कट करके हमें कुछ और ही दिखाया है। पूरा वीडियो दिखाने का मेरा मकसद यही होता है। वीडियो थोड़ा लंबा रहता है 6 मिनट का, और ये जो 6 मिनट का मामला है 6 × 10 यानी कि हो गए 60 मिनट। और जैसे तेल ले लिया उसने, तेल ले लिया 10 ml ले लिया, तो उसका 10 करेंगे तो सीधा 1 लीटर बनता है। तो इस हिसाब से अभी 1 मिनट बाकी है। उस तरफ जाने देना, ओए उस तरफ जाने दे, चला हम क्यों चला रहा है। भाइयों जो भी होता है वो हमें सही दिखाना है, हमें कुछ भी गड़बड़ करके किसी को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो सभी एक बराबर है। किसानों को पता चले इसके लिए स्पेशली ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक मिनट पूरी हुई थी और 7 मिनट 5 सेकंड पे कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर भी तो निकाला था हमने। बस बस उठा ले, कहाँ पे था, कहाँ पे, वहाँ पर देखा। जहाँ पर था वहाँ पर रख, जहाँ पे था वहाँ, यहीं पे था। डाल खोल जल्दी से, लाओ बोतल ला भाई। डालो अभी, ये हमारी स्पेशल बोतल बनी हुई है माप के लिए, लास्ट में डालने के लिए। इतना क्यों डाला है, माप से डालना मेरे भाई। हाँ माप है क्या, परफेक्ट है, माप पे सही है। हाँ तो सही है, ओके माप किया हुआ है ऊपर, थोड़ा सा जगह बच जाती थी इस हिसाब से। हिला हिला, थोड़ा हिला, ट्रैक्टर हिला, जैसे डाला था वैसे ही डाल मेरे भाई। ओके हिला के डाल। अब की बार कितना आया होगा बता। ओके ओके, अब गिराने का कोई मतलब नहीं, हिला दिया कंप्लीट, रख भाई यहाँ पे तो ये परफेक्ट पता चलेगा हमको भी। सो हम ना, ये है इसका माप, यहाँ पे रख या यहाँ पे रखो, ठीक है। ये आया इसके अंदर डीजल 100, 200, 300, 400 और 4.5-4 लीटर का एवरेज बैठता है इसका 1 घंटे का। अगर इसी तरीके से हम सही तरीके से इसको चलाएंगे, जिस हिसाब से अभी चलाया, तो ये 4.5 लीटर तेल ले रहा है। तो अगर हमने जैसे स्वराज का निकाला, मैसी का निकाला, सभी इसी हिसाब से बैठते हैं, ठीक है। इसी अंदर भाई साहब ने, जिद्दी भाई साहब ने कुछ अलग ही तरीके से चला के दिखाया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। भाई देख, एक लिमिट से चलाएंगे ना तभी पता। तू अगर कोई भी ट्रैक्टर लेकर ऐसे चलाएगा तो पता चल जाएगा। भाई का कहना है कि फार्म टैक 2.5 लीटर में निकालता है, तो फार्म टैक की अभी बारी है, हमें तो सही दिखाना है, तो फार्म टैक भी लेके आएंगे। भाई चला था, भाई के पास एक और है फार्म टैक, तो वो भी लेके आएंगे। तो भाई महिंद्रा 475 ने लिया है 4.5 लीटर, ठीक है।
4.5 लीटर का इसका एवरेज बैठता है। तो भाइयों अभी बारी है फार्म ट्रैक की, क्योंकि भाई बता रहा है कि फार्म ट्रैक सिर्फ 2.5 लीटर लेता है और हमें तो पता है कि कितना तेल लेता है, तो भाई के हाथ से ही चेक करवा लेते हैं कि क्या तेल लेता है। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और भाई की चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, यहाँ पर आपको सही जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत।